नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 28वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 28वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने केएल राहुल की लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और क्विंटन डी कॉक ने मैदान में उतरते ही पारी के पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क को दो लगातार चौके लगा दिए। लेकिन तभी उसके अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा ने क्विंटन डी कॉक को सुनील नारायण के हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक 8 गेंदों में बस 10 रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डी कॉक के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से दीपक हुड्डा मैदान में उतरे, लेकिन कोलकाता की गेंदबाजी ने दीपक हुड्डा को भी ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क ने दीपक हुड्डा को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। दीपक हुड्डा 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की गेंदबाजी ने शुरुआत में ही लखनऊ के दो लगातार विकेट निकाल लिए थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बदोनी मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान केएल राहुल और आयुष बदोनी ने लखनऊ की इस डगमगाई पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इस मुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल फिर एक बार अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेल रहे थे। कप्तान केएल राहुल कोलकाता के गेंदबाजों पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वही दूसरे छोर से अब आयुष बदोनी भी पूरी तरह मैदान में सेट हो चुके थे। कप्तान केएल राहुल और आयुष बदोनी ने मिलकर अब अपनी टीम को 78 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान केएल राहुल 27 गेंद में 39 रनों पर आउट हो गए। लखनऊ की टीम ने अपने कप्तान को एक गलत मौके पर खो दिया था। कोलकाता की गेंदबाजी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए मार्कस स्टोइनिस भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने मार्कस स्टोइनिस को फील्ड शर्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 5 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ का कोई भी बल्लेबाज कोलकाता की गेंदबाजी के आगे चल नहीं पा रहा था। लखनऊ की बल्लेबाजी अब पूरी तरह दबाव में थी। अब मैदान पर निकोलस पुरन उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके आयुष बदोनी के साथ मिलकर निकोलस पुरन ने लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके आयुष बदोनी को सुनील नारायण ने अंग कृष रघुवंशी के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बदोनी 27 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब अंत में लखनऊ की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी निकोलस पुरन पर आ चुकी थी। अब उनका साथ देने कृणाल पांड्या मैदान में उतरे, लेकिन आखिरी के ओवरों में निकोलस पुरन ने फिर एक बार लखनऊ की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और पारी का 18वां ओवर डालने आए वैभव अरोरा की एक ही ओवर में निकोलस पुरन ने दो गजब के छक्के लगा दिए। निकोलस पुरन इस मुकाबले में अंत के ओवरों में कोलकाता के गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे थे, लेकिन फिर पारी का आखिरी ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क ने निकोलस पुरन को फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। निकोलस पुरन 32 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही इस आखिरी ओवर में मिचेल स्टार्क ने लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ की टीम 161 रनों का बड़ा लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रख पाई। उसके बाद लखनऊ से मिले 162 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए शमार जोसेफ के इस ओवर में कोलकाता की टीम को 22 रन मिले। शमार जोसेफ ने इस ओवर में बहुत ही खराब गेंदबाजी कर दी, लेकिन उसके अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहसिन खान ने सुनील नारायण को मार्क स्टोइनिस के हाथों कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण 6 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। सुनील नारायण की जल्दी आउट हो जाने के बाद अब अंकृष रघुवंशी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे,
लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे फिलिप साल्ट इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। पारी का तीसरा ओवर डाले आए क्रुणाल पांड्या की एक ही ओवर में फिलिप साल्ट ने 3 लगातार चौके लगा दिए थे, लेकिन उसके अगली ही ओवर में मोहसिन खान ने नए बल्लेबाज अंकृश रघुवंशी को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। अंकृश रघुवंशी 6 गेंद में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। इस शुरुआती ओवरों में फिलिप साल्ट के अलावा कोई भी कोलकाता का बल्लेबाज लखनऊ की गेंदबाजी के आगे रन नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर से फिलिप साल्ट का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिलिप साल्ट की धमाकेदार बल्लेबाजी ने अब लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को तक बैक फुट पर धकेल दिया था। फिलिप साल्ट की इस पारी को कोई भी लखनऊ का बल्लेबाज रोक नहीं पा रहा था। अब दूसरे छोर से कप्तान श्रेयस अय्यर को बस फिलिप साल्ट का साथ निभाना था, और कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी यही करके दिखाया, और दोनों के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई। फिलिप साल्ट लखनऊ के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वही सेट हो जाने के बाद श्रेयस अय्यर ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। फिलिप साल्ट की यह पारी कोलकाता के लिए मैच जिताने वाली पारी साबित हो रही थी। लखनऊ की गेंदबाजी अब पूरी तरह इस मुकाबले में दबाव में थी। मुकाबला धीरे धीरे लखनऊ के हाथ से निकल रहा था, और फिर इसी बीच फिलिप साल्ट और कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। तो वही पारी के 10वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए फिलिप साल्ट ने अपना इस मुकाबले में केवल 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। फिलिप साल्ट की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने अब पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। कोलकाता की यह साझेदारी अब धीरे धीरे लखनऊ से यह मुकाबला छीनने लगी थी। लखनऊ की टीम की तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि अब कोलकाता के सामने इस टीम ने हथियार डाल दिए हैं। कप्तान केएल राहुल अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा निराश दिख रहे थे, लेकिन इस दरमियान फिलिप साल्ट अपने बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत रहे थे। वहीं अब कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे, और देखते ही देखते श्रेयस अय्यर और फिलिप साल्ट की यह 50 रनों की साझेदारी 100 रनों की बन चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह कोलकाता के कब्जे में आ चुका था। पारी के 15वें ओवर में मोहसिन खान को फिलिप साल्ट ने एक छक्का और एक चौका लगा दिया, और फिर अंत में फिलिप साल्ट ने एक शानदार चौका लगाते हुए कोलकाता की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 8 विकेट से जीता दिया। कोलकाता की टीम ने पहले गेंदबाजी में और फिर अपनी गजब की बल्लेबाजी से इस मुकाबले में सभी को हैरान करके दिखाया, लेकिन बल्लेबाजी के वक्त फिलिप साल्ट ने जो लखनऊ की गेंदबाजी के आगे धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई, उसने सभी के दिल जीत लिए। फिलिप साल्ट ने इस मुकाबले में 47 गेंदों में 14 चौके और 3 शानदार छक्कों की बदौलत 89 रनों की धमाकेदार पारी खेली, और इसी के चलते कोलकाता की टीम ये रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको फिलिप साल्ट की यह अद्भुत बल्लेबाजी कैसी लगी, और आप उनकी इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।